हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं और हमारे बस में भी नहीं है कि हम कुछ भी अभी ठीक कर पाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ज़रूर हैं, जैसे कि 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए और व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखिए। मैं हूँ आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा, लेकर हाजिर हूँ आपके लिए आज एक नया वीडियो जो कि रिलेटेड है सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट से, यानी कि डाइवोर्स से, यानी कि तलाक से। हम बात करेंगे तलाक की कि किन किन आधारों पर तलाक की अर्जी जो है वो फाइल की जा सकती है, डाइवोर्स की पिटिशन जो है वो फाइल की जा सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट के, यानी कि इस एक्ट के लागू होने के पहले या बाद जो भी शादियां हुई हैं उनमें से दोनों पक्षकार में से कोई भी पक्षकार, जो ग्राउंड्स मैं आपको बताने जा रही हूं जो कि 9 है नंबर में, इन आधारों पर तलाक की अर्जी जो है वो फाइल कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। इनमें से पहला ग्राउंड जो है वो है एडल्ट्री का। एडल्ट्री का मतलब होता है कि दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार जो है वो अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ अगर अपनी मर्जी से इंटरकोर्स कर रहा है, अगर अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना रहा है, तो इसे एडल्ट्री के का ग्राउंड माना जाएगा, इसे एडल्ट्री माना जाएगा, इसे तलाक का आधार माना जाएगा और इस आधार पर तलाक की अर्जी जो है वो फाइल की जा सकती है, तलाक लिया जा सकता है, मैरिज को डिसॉल्व कराया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड है क्रूएल्टी। अगर दोनों पक्षकार में से कोई भी एक दूसरे को जो है वो अगर दूसरे के साथ क्रूरता कर रहा है विवाह के बाद, अगर उसके साथ क्रूएल्टी का व्यवहार कर रहा है, तो ये भी एक ग्राउंड होगा। अब आपको बता दें, क्रूएल्टी सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। मानसिक जो क्रूरता है वो बहुत बार दिखती नहीं है, पता नहीं चलता। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अननेसेसरी, बिना किसी वजह के जो मेंटली टॉर्चर कर रहा, चाहे वो टॉन्ट करके करे, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से उसका जो एक आत्मविश्वास है उसको कम करके करे, कैसे भी करे, तो उसे मेंटल क्रूएल्टी में लेकर आया जाएगा। शारीरिक जो क्रूरता होती है वो बहुत बार दिख जाती है, जैसे किसी को अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मार रहा है तो वो दिख जाती है, लेकिन जो मेंटल क्रूएल्टी है वो बहुत बार दिखती नहीं है, वो विजिबल नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो शारीरिक क्रूरता से ज्यादा भयानक होती है, इसलिए मेंटल क्रूएल्टी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा ग्राउंड है डिजर्शन। अगर एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार का, यानी कि जो अर्जीदाता है, रेस्पॉन्डेंट ने बिना किसी वजह के, उसकी मर्जी के बिना, अपनी मर्जी से उसका परित्याग कर दिया है और वो परित्याग पिटिशन फाइल होने की जो तारीख है उसके पहले 2 साल की अवधि का होना चाहिए, यानी कि 2 साल तक उसका वो परित्याग कर चुका है ऑलरेडी, बिना किसी रीजनेबल कारण के, बिना किसी युक्ति युक्त कारण के, तो ये भी जो है तलाक के लिए एक ग्राउंड माना जाता है, लेकिन इसकी जो अवधि है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए। चौथा ग्राउंड है अगर रेस्पॉन्डेंट है उसने अपना कन्वर्जन के जरिए धर्म परिवर्तन कर दिया है, अगर उसने अपना धर्म बदल लिया, जैसे वो हिंदू था, शादी हुई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अब उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया या उसने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवें ग्राउंड की। पांचवा ग्राउंड होता है अनसाउंड माइंड होना, यानी कि अगर जो रेस्पॉन्डेंट है वो विकृत चित है, वो किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है कि नॉर्मल कोर्स में पिटिशनर का उसके साथ रहना एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, संभव ही नहीं है। वो इस तरीके की विकृति है कि वो विकृति जो है वो अलाउ नहीं करती है कि जो पिटिशनर है वो उसके साथ नॉर्मल कोर्स में हम एक्सपेक्ट करें कि वो उसके साथ रह सकती है या रह सकता है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, जो भी मैं आपको ग्राउंड्स बता रही हूं। इसके बाद छठवां ग्राउंड है लेप्रसी का। लेप्रसी यानी कि आप जानते हैं कि ये एक स्किन डिजीज होती है और इसका भी एक जो लेवल वो इतना भयावह हो चुका है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती और वो एक से दूसरे में फैलने वाली है। तो इस तरीके की, मतलब इस तरीके की स्किन डिजीज से वो सफर कर रहा है कि वो इनक्यूरेबल है, उसका इलाज नहीं हो सकता। उसके बाद आता है सातवां ग्राउंड। सातवां ग्राउंड है कि दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार इस तरीके के यौन रोग से सफर कर रहा है कि वो यौन रोग एक से दूसरे में ट्रांसफर होने वाला है, यानी कि वो कम्युनिकेबल है, वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरीके का यौन रोग है जो कि इनक्यूरेबल है, जो कि क्योर भी नहीं हो सकता और वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, वो इन्फेक्शन से फैल सकता है, तो इस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके अलावा आठवां है कि
कि अगर सपोज रिस्पोंडेंट ने संसार का परित्याग कर दिया है, अगर वो उसने किसी धर्म गुरु के तहत या किसी आश्रम के तहत सांसारिक जो चीजें उनका परित्याग कर दिया, उसने ब्रह्मचर्य अपना लिया, उसने वो आश्रम चला गया है, अब वो साधु बन गया है, तो यहाँ पर जो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि नॉर्मल कोर्स में आपने ब्रह्मचर्य को अपना लिया कि नहीं, अब आपको जो सेलिबेसी जिसको आप बोल सकते हैं कि अब आपका सामाजिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, अब आप लोगों के बीच में नहीं उठ बैठ सकते, अब आप लोगों के बीच में आपको नहीं रहना, आपको संसार से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर भी जो एक दूसरा पक्षकार है वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट, जिसने कि आश्रम को ज्वाइन किया है, जो आश्रम चला गया है, उसके खिलाफ तलाक की अर्जी फाइल करके मैरिज को डिसॉल्व करा सकता है। और सबसे लास्ट यानी कि नौवां ग्राउंड ये है कि 7 ईयर्स तक किसी भी पक्षकार दोनों में से किसी को भी एक को दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि अगर वो जीवित रहता या अगर वो जीवित रहती तो उसके जो अपने जानने वाले लोग हैं, सगे संबंधी, ऐसा मान लिया जाता है कि अगर ये जीवित होते तो हमें इनके बारे में पता जरूर चलता, लेकिन 7 ईयर्स से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो अगर 7 साल से दूसरा जो पक्षकार है उसके बारे में अर्जीदार को, अर्जीदाता को ये पता ही नहीं है कि वो जीवित है नहीं है, उसके बारे में उसने 7 ईयर्स तक कुछ नहीं सुना है, सो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड टू फाइल अ पिटिशन फॉर डिवोर्स एंड टू गेट द मैरिज डिसॉल्व्ड। ये 9 ग्राउंड्स हो गए। अब आपको ये बताते चले कि 9 ग्राउंड्स के अलावा 2 ग्राउंड्स और होते हैं, जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन की बात मैंने आपसे की थी, जुडिशियल सेपरेशन जो है वो सेक्शन 10 में फाइल होता है। जुडिशियल सेपरेशन के 1 साल के बाद अगर कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है, अगर दोनों पार्टीज को लग रहा है कि नहीं अभी वो एक साथ नहीं रह पा रही हैं, तो 1 साल से ज्यादा अवधि के बाद जो है वो तलाक ले सकती हैं, तलाक की पिटिशन जो है वो फाइल कर सकती हैं। और इसी तरीके से अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हुई है, यानी कि सेक्शन 9 में अगर ऑर्डर हुआ है दोनों पार्टीज के साथ रहने का, और दोनों पार्टीज जो है वो 1 साल के ज्यादा होने के बाद भी आफ्टर पासिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं रह रही हैं, तो इस आधार पर भी तलाक की अर्जी फाइल की जा सकती है, तलाक की अर्जी फाइल करके तलाक लिया जा सकता है। तो ये थी आज डाइवोर्स की बात, ये थी आज तलाक की बात, सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट की बात, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये जरूर समझ आया होगा वीडियो, जो भी मैंने आपको जानकारी दी वो आपके लिए जरूर कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। फिर चाहे वो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी तरीके का कोई केस लड़ रहे हो या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फेज आया हो जिसमें कि आपको इस जानकारी की जरूरत है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ इसे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप और भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि मैं आपके लिए, जिस पर वीडियो बनाकर आपको मैं गाइड कर सकती हूँ, असिस्ट कर सकती हूँ, आपकी मैं हेल्प कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब ऑर्डर हो जाता है सेक्शन 13 में डिवोर्स का, अगर सेक्शन 13 में डाइवोर्स की पिटिशन अलाउ हो जाती है, उसके बाद क्या रेमेडी होती है, किस तरीके से सपोज एक पक्षकार को तलाक चाहिए, दूसरे पक्षकार को नहीं चाहिए, दूसरा पक्षकार सपोज वो एडल्ट्री में रह रहा है, एडल्ट्री कर लिया उसने, कर रहा है किसी के साथ और उसने अपने शारीरिक संबंध बना लिए, या सपोज करिए कि वो अपने पार्टनर के साथ क्रूएल्टी भी तो कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि मानसिक यातना से बड़ी यातना कोई भी नहीं होती, वो इंसान को अंदर तक झकझोर देती है, तोड़ देती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि दूसरा पक्षकार नहीं तलाक देना चाहता, इसमें थोड़ा समय लंबा लगता है, क्योंकि जब मैंने आपसे 13B की बात की थी वहां पर मैंने आपको अमरदीप सिंह का जजमेंट भी बताया था, और उस जजमेंट में जो फर्स्ट मोशन का पीरियड है उसको वेव ऑफ करने की भी बात मैंने आपको बताई थी, वहां पर इजीली हो जाती हैं चीजें, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि एक पक्षकार तो तलाक देना चाहता है, उसे तलाक लेना है, लेकिन दूसरा पक्षकार देना नहीं चाहता। तो सपोज करिए कि अगर पहले पक्षकार को तलाक मिल जाता है या पहले पक्षकार को अर्जी दाखिल करने के बाद भी तलाक नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या क्या रेमेडी होगी, अगर उसको तलाक मिल जाता है तो दूसरा पक्षकार जो, उसके लिए क्या क्या रेमेडी होगी, वो किस
फोरम में जा सकता है, किस फोरम में जाके डाइवोर्स की डिक्री को चैलेंज कर सकता है, जो मैरिज डिसॉल्व हुई है उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए, बहुत आबाद रहिए। दीजिए मुझे अनुमति यानी कि अपनी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा को।